नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे तो दोस्तों पिछले साल इंडियन आर्मी ने एफ व्हीकल्स के लिए यानी कि फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल्स के लिए जो आर है उसको जारी किया था तो इसमें इंप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एल को मिला था यानी कि लार्सन एंड टूबर को तो उनको पिछले साल सिलेक्ट कर लिया गया था तो अब जो एल है वे अपने एफ व्हीकल्स के लिए जो पहला प्रोटोटाइप है उसको बनाएंगे तो दोस्तों जो आर है उसमें इंडियन आर्मी का जो प्लान है कि इन एफआईसीवी व्हीकल्स को 2026 से जो कमीशनिंग है वो इनकी हो जानी चाहिए और इसके बाद जो डिजाइन है उसको यहाँ पर मॉड्यूलर रखा जाएगा ताकि आने वाले समय में जो चेंजेस हैं वे भी इसमें किए जा सके तो यहाँ पर तीन या चार साल के बाद इनका जो इंडक्शन है वो शुरू हो जाएगा तो ऐसे में जो इंडियन आर्मी है उन्होंने लगभग 1750 जो एफ आई सी वी व्हीकल्स हैं उनको लेने का प्लान किया है जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है और हर साल इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट है कि उनको 75 से लेकर के 100 जो एफ आई सी वी व्हीकल्स हैं भी उनको चाहिए तो इसके बाद जो इंडियन आर्मी है उन्होंने इन, इन इन्फेंट्री व्हीकल्स को लेकर के कुछ जो डिमांड्स हैं वो सामने रखी है तो सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि तीन क्रू के साथ आठ जो डिस्माउंट है वे होने चाहिए कम से कम थर्टी एम एम के जो ऑटो कैनन्स हैं वे भी इसमें होने चाहिए और इसी के साथ जो कुछ अनमेंड की खूबियां हैं उनकी भी इस आर में डिमांड की गई है तो इसके अलावा चार रेडी टू फायर जो फोर्थ जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उनकी भी यहाँ पर डिमांड की गई है इसके बाद इसके तीन जो वर्जन या फिर वेरिएंट है वो तैयार किए जाएंगे जिसमें से लगभग टोटल संख्या के 55% होंगे गन वेरिएंट, 20% होंगे कमांड वेरिएंट और 25% होंगे यहाँ पर कमांड एंड सर्विलेंस वेरिएंट। तो देखिए दोस्तों जो टोटल संख्या है वो लगभग यहाँ पर है 1750। तो उसमें ये जो 55% गन वेरिएंट होंगे 20% कमांड वेरिएंट और 25% कमांड एंड सर्विलेंस वेरियंट इसमें होंगे और इसके बाद अगर आप बात करें इसकी डिलीवरी की तो देखिए दोस्तों जो डिलीवरी है वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के दो साल के अंदर शुरू हो जानी चाहिए इसके अलावा इनको हर वेदर में काम करने लायक बनाया जाएगा जिससे कि इन्हें एल से लेकर के जो चाइना के साथ लगती है। हमारी एल है वहाँ पर भी इनको डिप्लॉय किया जा सके इसके अलावा इनको दिन के साथ रात में भी ऑपरेट करने लायक बनाया जाएगा यानी कि इनमें एडवांस जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उनका यहाँ पर यूज़ किया जाएगा जिससे कि रात के समय में जो गाइडेंस है वो दे सके तो इसके बाद एक का ये जो नंबर है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो जब तक इनकी डिलीवरी कम्प्लीट होगी तो तो उस समय तक जो एफ आई सी व्हीकल्स है उनमें और ज्यादा नए जो फीचर्स हैं वे आ जाएंगे उस टाइम पीरियड में जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी तो इसी को देखते हुए इनको तीन में खरीदा जाएगा जिसमें पहले स्टेज में लगभग से लेकर के एक सौ अस्सी जो कॉम्पैक्ट व्हीकल है उनको खरीदा जाएगा दूसरे स्टेज में लगभग सात सौ और साथ में थर्ड स्टेज में आठ सौ अस्सी जो नए उनको यहां पर खरीदा जाएगा तो यहां पर ये स्टेजेस इसलिए रखे गई हैं ताकि उस समय की जो टेक्नोलॉजी है और साथ में जो चेंजेस सके ताकि हम उस समय इनकी जो सर्विस लाइफ है वो लगभग एक घंटे की होगी इसके अलावा इनकी जो रेंज है वो चार किलोमीटर तक होगी और इस सब के साथ अगर आप यहाँ पर डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों काफी ज्यादा जो डिमांड्स है वे यहाँ पर इंडियन आर्मी की तरफ से रखी गई है जैसे कि इनकी जो स्पीड है वो लगभग 70 किलोमीटर पर आर होनी चाहिए ऑन रोड और इस सबके अलावा ऑफ रोड और साथ में अगर आप इनमें मान लीजिए पानी में जी हाँ दोस्तों इनको पानी में भी उतरना होता है तो वहां पर इनकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो मिनिमम यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आर की मांगी गई है और ऑफ रोड पर यह लगभग पचास किलोमीटर पर आर तक की यहाँ पर मांगी गई है तो इस सब के अलावा भी अगर आप इंडियन आर्मी की छोटी बड़ी जो डिमांड्स है उनको यहाँ पर देखते हैं तो वे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो अगर आप

उनको इंडक्ट कर लिया है तो ये खुद जो लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह जी है उनके द्वारा इनको ऑफिशियली इस ट्राई सर्विस कमांड में जो है शामिल किया गया है तो जो ए एल थ्री हेलीकॉप्टर है ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है और ए एल एच एम के थ्री में ग्लास को पिट के साथ जो शक्ति इंजन है उसका यूज़ किया गया है और एडवांस सीट ट्रैकिंग रडार को यहाँ पर लगाया गया है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जो सिस्टम है उनको भी यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है और नाइट विज़न के लिए यहाँ पर जो सहूलियत है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है ताकि जो नाइट ऑपरेशन है उनको भी यहाँ पर परफॉर्म किया जा सके तो 300 से ज़्यादा ऑपरेशनल हेलीकॉप्टर के साथ ये भारत का अब तक का मोस्ट सक्सेसफुल एविएशन प्रोजेक्ट रहा है तो दोस्तों इस हेलीकॉप्टर के भारत को जो एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं वे भी मिले हैं और इस सबके अलावा भारत की जो हेलीकॉप्टर की आज की तारीख़ में जो फ्लीट है आप कह सकते हैं कि उसमें भारत बहुत जल्द ही आत्मनिर्भर बन जाएगा क्योंकि अगर आप कॉम्बैक्ट के हिसाब से देखें तो वहां पर भारत लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को बना चुका है ट्रांसपोर्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर एल जैसे जो हेलीकॉप्टर है उनको हम बना चुके हैं और इस सब के के अलावा का प्लान है है कि वे क्लास के जो हेलीकॉप्टर है, उसको भी बनाना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको भविष्य में एक और एच का जो हेलीकॉप्टर का प्रोजेक्ट है वो आप सबको देखने को मिले और यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस है कि वो हैवी वेट क्लास में एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर होगा तो दोस्तों इसके बाद अगर आप बात करें अपनी अगली अपडेट की तो वो है बी एल को लेकर के तो देखिए दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो कि हमारी एक पी है तो इन्होंने अमेरिका में उनकी मार्केट के लिए जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आई के जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी जो डील है उसको फाइनल कर लिया है तो इस डील के तहत जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड्स हैं वे अमेरिका को लगभग 75 मिलियन यूएस डॉलर के जो आई इक्विपमेंट है वे सप्लाई करेंगे और आने वाले पाँच साल के अंदर ये जो नंबर है ये लगभग तीन मिलियन यूएस डॉलर तक चला जाएगा तो इस डील के अलावा अगर आप बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तो ये डिफेंस के सेक्टर से आते हैं जहां पर ये डार एवियोनिक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और जो दूसरे हथियार होते हैं उनके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनको ये सप्लाई करते हैं तो यहाँ से इस तरह की जो डील है इनसे ये जो है फंडिंग भी जुटा सकते हैं जिससे कि ये आने वाले समय में इनके जो प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर इसको लगा सकते हैं तो इसके अलावा जो भारत और फिलीपींस की जो ब्रह्मोस मिसाइल की डील है उसको यहाँ पर ऑफिशियली जो है साइन कर लिया गया है

सेक्शन में बताइएगा साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही जो वीडियो वे मिलती रहे तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद